अजमेर में लगातार एटीएम मशीनों से हो रही छेड़छाड़ और लूटपाट के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पिछले 6 माह से अजमेर में एटीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रकम निकालने की वारदातें घटित हो रही थी, जिनके खिलाफ पुलिस मुस्तैद होकर छानबीन में जुटी थी। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जब बदमाशों के गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि हरियाणा नूह मेवात के रहने वाले हैं। ये बदमाश पिछले 6 माह से अजमेर में रहकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये शातिर एटीएम के अलावा ऑनलाइन साइट से भी ट्रांजेक्शन करते थे, साथ ही ओएलएक्स पर फर्जी आईडी बनाकर सामान बेचने और खरीदने का फ्रॉड कर लाखों रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त में क्लॉक टावर थाना अंतर्गत डिग्गी चौक इलाके में मात्र 4 दिन में एक एटीएम से 4,80,000 रुपये विड्रॉल इन बदमाशों ने किए थे। इन्होंने क्लॉक टावर और अलवरगेट थाना सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में वारदातें अंजाम देकर लाखों रुपए की लूट की है। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद शकील, तौफीक और सलमान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही गिरोह के बाकी 8 सदस्यों की भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ATM जो है मशीन के साथ छेड़छाड़ करके, तारों के साथ छेड़छाड़ करके ये लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं और कई बहुत ज़्यादा अमाउंट का इसमें ये पैसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमने इन 3 जनों को गिरफ्तार किया है। वैसे ये गैंग जो बता रहे हैं वो 8 से 10 जनों का है। ये 3 व्यक्ति जो है ये हरियाणा नूह में बाद के हैं और ये 6 महीने से अजमेर में एक्टिव हैं। ये इसी तरह से अलग अलग तरीके से ATM में से भी छेड़छाड़ करके पैसे निकालते हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन जो साइट्स हैं वहाँ से भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। OLX वगैरह पे भी ये फेक जो ID बना के बेचते हैं सामान और लोगों को लूटते हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगस्त माह में इन्होंने 4 दिवस में 31 ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं ATM मशीन से क्लॉकटार थाना क्षेत्र में डिग्गी चौक से, जिसके अंदर इन्होंने 4,80,000 का जो मशीन है उसके साथ छेड़छाड़ करके पैसे निकाले हैं। पहले कुछ कई वारदातें कर दी इन्होंने? जी, इन्होंने कंटिन्यूसली अभी चल रहा है, अलवर गेट में भी इन्होंने की है ऐसी वारदात और अजमेर में ये लोग एक्टिव हैं पिछले 6 महीने से। क्या, तो क्या नाम है इनके? एक का नाम है मोहम्मद शकील, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, जिनको 14/12 को गिरफ्तार किया गया। सलमान खान, इनको 16/12 को गिरफ्तार किया और तौफीक, इनको भी 16/12 को गिरफ्तार किया गया। ये नूमेबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। और भी वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है? जी, अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? जेल से और अलवर गेट से। जी, ठीक है।